ऐसा लग रहा है कि कहानी जो स्क्रिप्ट है वो सेट पे लिखी गई है। इसका टाइटल होना चाहिए हम सब जोकर है। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रोहित शेट्टी की पिक्चर नाम है सर्कस रिलीज हो गई है और हमारे साथ में आ गए हमारे सेकंड एक्सपर्ट, नहीं फर्स्ट एक्सपर्ट, जिमी द ह्यूमन लॉलीपॉप। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू वेरी मच। मस्ती कर रहा हूँ, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। थोड़ी सी कॉमेडी मैंने भी की है। हाँ, जो कि सर्कस बहुत बड़ी कॉमेडी पिक्चर है ऐसे बोल के प्रमोशन किया है रोहित शेट्टी ने। अच्छा 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 अच्छा। जानना चाहेंगे आपसे, आपने देखे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कैसी लगी आपको? बतौर डायरेक्टर ऑफ रिंग मास्टर ऑफ द सर्कस, रोहित शेट्टी इज अ फेल टू टेम ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अस समझी ऑल्सो फेल टू फॉर द डायलॉग्स, यूनुस सजावल फेल फॉर द स्क्रीन प्ले, एडिटर बंटी नेगी इज अ रिनाउंड एडिटर like Aki Wali, they are all the renowned editor of the industry, they all fail to do their jobs, okay? So sab fail ho gaye, sab fail hai, artist bhi fail hai, artist bhi fail hai, 35 mark bhi nahi milenge, nahi 100 mein se 35 mark bas passing mark, passing mark de se on mark, matlab 35 mark pe. Acha acha, to Rohit Shetty bhi fail hai, Rohit Shetty bhi fail ho gaya is baar. Sorry to say this Rohit ji, ji hai na, matlab lockdown mein baith ke puri script banayi, aisa unhone Kapil Sharma show mein kaha ki sab बैठे थे घर पे, क्या करे तो सर्कस करे, ना हाथी दिखा, ना भालू दिखा, ना शेर दिखा, ना चीता दिखा, जोकर भी नहीं दिखा। जोकर कहाँ थे? ऑडियंस जोकर थी, ऑडियंस को जोकर बना दिया, ऑडियंस को जोकर बना दिया था इसमें। और अंगूर जी सब लोगों ने देखी हुई है जी, है ना, कॉमेडी ऑफ एरर शेक्सपियर का जो ड्रामा है, जो नॉवेल है उसके ऊपर आधारित फिल्म है ये। तो अंगूर अगर आप देखोगे, डबल रोल संजीव कुमार, डबल रोल देवेन वर्मा, तो वो एक भी फ्रेम छूटती नहीं है किसी से, हमेशा आप देख मन करके दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। जैसे पड़ोसन आई थी किशोर कुमार की, किशोर कुमार की, तो वो आज भी लोग देखते हैं, याद करते हैं, है ना। तो क्या ना, वो मार्क छोड़ना पड़ता है आपको। मतलब मैं बड़ा अफसोस है रोहित शेट्टी जी के लिए कि बीइंग मतलब मासिस डायरेक्टर एंड एक्शन जिनका जॉनरो है, कॉमेडी भी उनका जॉनरो है, ऐसा नहीं है कि उनको कॉमेडी में पकड़ नहीं है, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। गोलमाल सीरीज, हाँ गोलमाल सीरीज बगे, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग सब भटक गए। यूनुस सजावल भी भटक गया, फराज सामजी भी भटक गया। अच्छा, आर डी संजय मिश्रा, ही ट्राई टू गेट इन टू द कैरेक्टर ऑफ उत्पल दत्त एक जमाने में थे, है ना, द वे ही वॉज स्पीकिंग। गोलमाल जो थी ओरिजिनल अमोल पालेकर और ऋषि किशनकर जी की, उसमें उत्पल दत्त का जो एक टेक्सचर लेके चले थे, वो पूरा संजय मिश्रा ने ट्राई किया है, बट ही वॉज नॉट अप टू द मार्क, ही फेल टू डू द सेम। संजय मिश्रा का भी कैरेक्टर फेल हो गया, फेल हो गया। अरे बाप रे, तालियां दो ही जगह पड़ी हैं, रंटे लगा गाना और जॉनी लीवर की एंट्री पे, ठीक है ना। बाकी पूरी फिल्म में कोई पंच लाइन नहीं है। अच्छा, एडिटिंग बहुत लूज है, लंबे लंबे डायलॉग्स है, मतलब पीपल आर वेटिंग कि अब कुछ होगा, अब कुछ नया आएगा, कुछ आएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा था फिल्म में। तो ओवरऑल फिल्म मतलब बोर करती है। ओके, एडिटिंग का नाम लिया आपने। हाँ। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, हाँ। रोहित शेट्टी का, किसी भलते ही आदमी के पास में जाके बैठे थे जो कि फिल्म का लाइन का भी नहीं है, पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था उन्होंने, उसमें वो बोल रहे थे कि आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट एडिटर, बहुत ही ब्रूटली एडिट करता हूँ मैं मेरी पिक्चर, कि हाँ। ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो हटा दे, हाँ ऐसा करके वो बोल रहे थे। और आपने कहा कि एडिटिंग बहुत लूज है, बहुत लूज है। मतलब देखो, कॉमेडी में है ना टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग की हिसाब से एडिटिंग भी टाइमिंग पे होनी चाहिए। पंच लाइन की एडिट काउंटर में जो होती है वो टेक्निकली, वो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, अगर काउंटर पे टाइमिंग पे एडिट नहीं हुआ काउंटर डायलॉग्स का, तो वो पंच लाइन मर जाती है वहाँ पे। दैट इज़ अ बेसिक सिनेरियो ऑफ द कॉमेडी और पंचीज एंड कॉमेडी काउंटर्स एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे टोटली मतलब बहुत स्लो जा रही है पिक्चर स्टार्टिंग में, तो है ना, फर्स्ट हाफ तो थोड़ा स्लो गया है। और जो एक तो कहानी जो वही आश्रम से शुरू की है, जो गोलमाल में हर जगह से शुरू की है उन्होंने, पता नहीं उनको आश्रम में ही क्या खजाना गड़ा हुआ है, कौन से कितने सारे खजाने गड़े हुए और कितने आएंगे पता नहीं। वो जो भी कहानी शुरू होती है इनकी फिल्म आश्रम से ही शुरू होती है, तो विच इज़ आई थिंक अगेन मतलब स्टोरी नहीं है क्या, नहीं है तो हम बताते हैं ना सर जी। बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं हमारे पास जी, जो हम स्टार्टअप ले सकते हैं, मिड में जा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर लेके जा सकते हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग लेके जा सकते हैं। देयर इज मेनी आइडियाज ऑफ द स्टोरी, है ना। तो इस बार मुझे लगा कि यार मतलब पूरा
सब मजा किरकिरा कर दिया है, मजा किरकिरा कर दिया। डायलॉग्स पे आता हूँ मैं, फराज समझी बहुत बड़े डायलॉग राइटर है हमारे इंडस्ट्री के। अरे डेफिनेटली यूनुस अजावल जी भी बहुत बड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटर है सर जी, जी। फराज समझी भी बहुत बड़े हैं, मतलब उनको तो मतलब उनकी फिल्में तो ऐसा नहीं है कि सब फिल्में फ्लॉप गई है, अच्छी अच्छी फिल्में भी उन्होंने दी है, ठीक है ना। लेकिन इस बार ये लोग सर्कस के लिए फेल हो गए, सर्कस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं है ना, लोग क्या उम्मीद लेके जाने वाले हैं ऑडियंस, तो मेरे ख्याल से वो तो चीज़ उनको दिखेगी नहीं। डिसअपॉइंट हो गए हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी। और दूसरी बात, ये सर्कस टाइटल जज ही नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका टाइटल होना चाहिए हम सब जोकर हैं, आई थिंक सो, मेरा ही टाइटल है ये, बुक किया हुआ मैंने। अच्छा, आपने करके रखा रजिस्टर, ओके, हम सब जोकर हैं, ले नहीं सकते वापस कोई। तो ये इसी पे आधारित थी पूरी चीज़, वो थोड़ा डिफरेंट वे में है। स्ट्रगलर ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, राइटर कैसे आता है, कैसे स्ट्रगल करता है, क्या क्या उसको सहना पड़ता है, कैसे वो पेंगेस में रहता है फिर निकाल देते हैं, आर्टिस्ट कैसे रहता है, लड़कियां कैसे रहती है, क्या क्या झोल झपाटे करते हैं, तो दैट इज़ हम सब जोकर हैं, पर्दे की वजह सब जोकर ही हैं जी, है ना। तो दैट इज़ अ बेसिक स्टोरी, तो वो नहीं दिखा मेरे कैरेक्टर आर्टिस्ट पे आता हूँ मैं। हाँ, बड़ी लिस्ट है कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ है, हमारे वसूली भाई। हाँ, फिर मैंगो चिक्की, वरुण शर्मा, वरुण शर्मा का बहुत एक्सपेक्ट किया था मैंने। हाँ हाँ, पैरेलल रोल दिया है ओके रणवीर के साथ में। यस, देखो रणवीर तो एक्टर है बेसिकली, पावर पैक्ड पावर हाउस बोलते हैं उसको, है ना। तो इस बार वो जयेश भाई जोरदार की तरह उसने फिर मिस्टेक कर दी ये कैरेक्टर करके रॉय का, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली चूजिंग ऑफ द स्क्रिप्ट एंड चूजिंग ऑफ द कैरेक्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर हियरिंग द स्क्रिप्ट, जब आप सुनते हो। अब डेफिनेटली यार रोहित साहब है तो उनका कौन सुनेगा, रोहित जी ने दिए स्क्रिप्ट, सब लोग कर लो आँख मूंद के, जो बोलेंगे कर देंगे, तो वो वाली बात इस फिल्म में नजर आई है मेरे को। okay. ऐसा लग रहा है कि कहानी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है वो सेट पे लिखी गई है। अच्छा, ऐसा फील हुआ मुझे। ओके ओके, मतलब सोच रहे कि क्या बोलना, अगला डायलॉग क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और कॉमेडी में फेस बना के एक्टिंग मत करो या कॉमेडी मत करो, नेचुरल होता है वो, बॉडी लैंग्वेज से भी नेचुरल आता है, डायलॉग से भी अपने आप ह्यूमर क्रिएट होता है ना। कई बार हम लोगों ने भी किया हुआ, ये हम पास में हम करते थे सबको लाइन में खड़ा करके, है ना, लेकिन उसमें ह्यूमर था। इसमें एक डायलॉग है कि यार तेरे को तो घर में भी बाहर निकलने लायक नहीं है, ये हमारी सीरियलों का डायलॉग है जो हम एक ज़माने में किया करते थे गुजराती सीरियल में, ये इम्तियाज़ पटेल जी का डायलॉग है। ओके, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सर मैंने आपका केला खाया है, वो डायलॉग कैसा लगा? नहीं सर, क्रिंजी था या टिकटॉक जोक था, कैसा लगा? बकवास था है ना। नहीं मजा आया। संजय मिश्रा तो मतलब बहुत लाउड रहा है ना, बट और वेरी गुड एक्टर, मतलब मुझे समझ में नहीं है कि उन्होंने अपना स्ट्रीम कैसे छोड़ दिया। है ना, एक भाई आप मतलब स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हो, बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हो, तो आप मतलब कुछ भी आपके हाथ में आया, आपने कुछ भी कर दिया, तो नहीं चलता है। उस इंटरव्यू में रोहित शेट्टी बोल भी रहे थे कि नेक्स्ट सुपरस्टार रणवीर सिंह, आने वाला जो सुपरस्टार है वो रणवीर सिंह ही होगा इस इंडस्ट्री का, ऐसे बोल रहे थे। अभी जो लिस्ट देख रहे हैं हम रणवीर सिंह की, 83, जयेश भाई जोरदार और अभी सर्कस, सभी डिसअपॉइंट हो गए, आपको क्या लग रहा है? मैं 83 के बारे में बोलूँगा, 83 वॉज अ फैंटास्टिक मूवी एंड रणवीर हैज़ डन अ मार्वलस जॉब इन दैट मूवी बीइंग अ कपिल देव निखंज, है ना। तो एक क्लासी मूवी है वो, और जैसे कि एक फिल्म आई थी लम्हे, उस टाइम पे फ्लॉप गई थी, लेकिन आज वो क्लासिक में गिनी जाती है, इस तरह 83 भी क्लासिक में गिनी जाएगी। ओके, ठीक है ना। एनी वे, रणवीर ने जयेश भाई जोरदार कंसेक्यूटिवली सेकंड दी है, ये तीसरी हाँ, हैट्रिक फ्लॉप मारी इस बार। तो डेफिनेटली नाउ ही हैज़ टू थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली इज़ वेरी गुड एक्टर, इज बिकम अ वेरी गुड एक्टर, 10-15 साल से जो कर रहे हैं अब सीख गए वो, है ना। नाउ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट ये कॉमेडी अमित जी भी करते थे, तो वो जब करते थे तो एक्शन इमेज थी उनकी, तब भी वो ढल जाते थे कॉमेडी में और लोगों को हजम होती थी वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ मिसिंग था, वो उस चीज़ में नहीं उतर पाए। ओके, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी द ह्यूमन लॉलीपॉप। ओह माय गॉड, वो डायलॉग याद रहेगा मुझे, सबको याद रहेगा वो, है ना। पांच में से फाइनल वर्डिक्ट कितने मिलेंगे? रोहित शेट्टी सर्कस, सॉरी रोहित शेट्टी जी एंड टीम, दिस इज ओनली 2 स्टार फ्रॉम माय साइड देंगे। हाँ, 2 स्टार दूंगा, खींच खींच के दिए हुए लग रहे। हाँ, एक रोहित शेट्टी के लिए और दूसरा ओवरऑल लुक के लिए, हाँ, 2 स्टार। दे ट्राइड लेवल बेस्ट टू गिव समथिंग डिफरेंट, बट वो हो नहीं पाया। ओके, मतलब वो पर्दे पे उतर नहीं पाया। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया हमारे फर्स्ट एक्सपर्ट जिमी ने, थैंक यू बोलना चाहूँगा ऑनेस्ट रिव्यू के लिए। और अगर
आपने आप डिसाइड कर रहे हो फिल्म देखने के लिए तो रिव्यू ज़रूर देखना, उसके बाद में डिसाइड करना, और कमेंट्स में बताना अगर फिल्म देखते हो कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।